दोस्तों, आप स्टार प्लस का सीरियल अनुपमा तो देख ही रहे होंगे, जिसमें अनुपमा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री रूपाली गांगुली अपने इस किरदार को बेहद शानदार तरीके से निभा रही हैं। जहां ना वो सिर्फ एक अच्छी माँ बहू बेटी बनी हैं, बल्कि एक काफी अच्छी पत्नी भी दिखाई दे रही हैं, जो अपने घर वालों के लिए अपनी इच्छाओं को भी मार देती हैं। और इन दिनों रूपाली गांगुली यानी अनुपमा सीरियल में अनुज कपाड़िया से शादी को लेकर काफी चर्चाओं में हैं, जिसके चलते इनका ये सीरियल काफी टीआरपी बटोर रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक्टिंग करियर में आने से पहले रूपाली गांगुली क्या करती थी, कैसी दिखती थी? शायद ही जानते होंगे, इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं। अगर आप इन सवालों का जवाब ना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक, और अपनी फेवरेट रूपाली गांगुली के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अनुपमा सीरियल में अनुपमा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री रूपाली गांगुली का जन्म 5 अप्रैल 1977 को कोलकाता में हुआ था। वहीं से इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई कम्प्लीट की है। रूपाली गांगुली ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत एक बच्चे के रूप में की। उन्होंने 1985 से 7 साल की उम्र में अपने पिता की फिल्म साहिब से अभिनय की शुरुआत की। ये साल 1996 की फिल्म अंगारा और 2 आंखें 12 हाथ में भी नजर आई, जिसके बाद इन्होंने टेलीविजन इंडस्ट्री में कदम रखा और पहली बार ये साल 2002 में स्टार प्लस के सीरियल संजीवनी में मेडिकल इंटर्न डॉक्टर सिमरन चोपड़ा के किरदार में नजर आई। और इस सीरियल से रूपाली गांगुली ने अपने करियर की सफलता हासिल की, जिसके बाद साल 2005 में ये बा बहू और बेबी में नजर आई और साल 2011 में ये परवरिश में नजर आई, जिसके बाद उन्होंने अभिनय से काफी लंबा ब्रेक लिया। 7 साल के बाद साल 2020 में रूपाली गांगुली ने सीरियल अनुपमा के साथ वापसी की। लेकिन अगर बात करें कि रूपाली गांगुली एक्टिंग करियर में आने से पहले क्या करती थी, तो आपको बता दें रूपाली गांगुली ने 7 साल की उम्र में साल 1985 में अपने पिता की फिल्म साहिब में काम किया था, पर अपनी पढ़ाई के लिए इन्होंने कुछ समय बाद ही इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी और इसके बाद ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने लगी। साथ ही एक्टिंग थिएटर में एक्टिंग की क्लासेस भी ले रही थी और काफी समय क्लासेस लेने के बाद रूपाली गांगुली ने होटल मैनेजमेंट और एक्टिंग का डिप्लोमा लेकर एक्टिंग करियर में प्रवेश किया। वहीं अगर बात करें कि ये पहले कैसी दिखती थी, तो आपको बता दें रूपाली गांगुली अभिनय करियर में आने से पहले काफी पतली दुबली थी और बेहद सिंपल नजर आती थी। साथ ही इनके बाल भी काफी सिंपल और छोटे थे और हमेशा वेस्टर्न ड्रेस में ही नजर आती थी और इनकी फेस स्किन भी काफी ग्लोइंग नजर आती थी, जो इनकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देती थी। वेल, दोस्तों, आप अभिनेत्री रूपाली गांगुली के अभिनय करियर से पहले के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।